और धर्म के नाम पर नफरत का आलम यह है कि क्रिसमस समारोह में भी खलल डाले गए। और दिल्ली से सटे अंबाला में तो हुड़दंगियों ने यीशु की मूर्ति ही तोड़ डाली। धर्म के नाम पर ये क्या हो रहा है? कहीं जीसस की मूर्ति पर चोट तो कहीं क्रिसमस त्योहार में खलल। संविधान सभी धर्म को समान मानता है, सभी धार्मिक आजादी हासिल है, लेकिन दूसरे धर्म पर हमले की इजाजत किसी को कैसे मिल जाती है? कोई कैसे इसकी हिमाकत कर जाता है? दिल्ली से सटे अंबाला में क्रिसमस की रात ही यीशु की मूर्ति तोड़ दी गई। ये मूर्ति रिडीमर कैथोलिक चर्च के गेट पर लगी थी। अब तक कोई हमलावर पकड़ में नहीं आया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है तो सूबे के मंत्री एक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे डीएसपी साहब, मैं, हमारे एसएचओ जो कैंट है, हमारी सीआईई टीम्स भी अब आ रही हैं सारी, तो आके हमने सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे चेक करे हैं, तो उसमें जो भी युवक नज़र आ रहे हैं शायद शरारत के उसमें किसी ने या रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करते हुए जो भी करा है, तो इसकी पूरी जांच करी जाएगी। जो भी कंप्लेंट हमें चर्च अथॉरिटी की तरफ से मिलेगी संबंधित धारा में पर्चा दर्ज करा जाएगा, जाँच करी जाएगी और जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप करा जाएगा। चर्च में हुड़दंग की शुरुआत गुरुग्राम से ही हो गई, जब पटौदी स्कूल में आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में कुछ उपद्रवी घुस आए और माइक छीनकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। तो कुछ लोग वहां पे आए और उन्होंने आके हमें रोकने की कोशिश की, तो हमने उनसे बोला अगर आपका प्रोग्राम बुरा लग रहा है तो हम प्रोग्राम को रोक देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, आप करो जो कुछ करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे धर्म के बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। तो हमने बोला कि धर्म का तो कोई मैटर ही नहीं है, तो क्रिसमस का प्रोग्राम चल रहा है और बच्चों का कार्यक्रम है, आप देख सकते हो। उसके बाद प्रोग्राम चल रहा था, एकदम बीच में उन्होंने क्या किया, प्रोग्राम रोक के माइक को खोस के जो है और जय श्री राम के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए, ऐसे करके उन्होंने उपद्रव किया। फिर जो है लेडीज थी वहाँ, लेडीज को बीच में तो छोड़ के जाना पड़ा। क्रिसमस के जश्न में उत्पात असम के सिलचर में भी हुआ। यहाँ के कछाड़ में जेल रोड चर्च में बड़दिन महोत्सव चल रहा था, तभी बजरंग दल के लोग घुस आए और तोड़ फोड़ करने लगे। इस मामले में अब तक दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। सिलचर से दिलीप सिंह और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो।